समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान ने अली और बजरंग बली का मुद्दा उठाते हुए बजरंग बली की जगह बजरंग अली का नारा लगवाया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर पाकिस्तान का एजेंट होने का आरोप भी लगाया। रामपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने बयान दिया है कि अगर पीएम मोदी फिर सत्ता में आते हैं तो दोनों देशों के बीच विवाद सुलझ जाएगा। आजम खान ने कहा कि मोदी इमरान की ये कैसी मिलीभगत है। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। मेरा तो दीन कमजोर नहीं हुआ। योगी जी आपने कहा था कि हनुमान जी दलित थे, फिर आपके किसी साथी ने कहा कि हनुमान जी ठाकुर थे, खुश हो गए महेंद्र सिंह के, चलो हनुमान जी ठाकुर थे। फिर पता चला कि नहीं, वो ठाकुर नहीं थे, वो जाट थे, पता नहीं मंदिर चकारा है या नहीं है। फिर किसी ने कहा कि नहीं, वो हिंदुस्तान के थे ही नहीं, वो तो श्रीलंका के थे। लेकिन बाद में एक बात बहुत आरामद आई, एक मुसलमान इंदर सिंह ने कहा कि हनुमान जी मुसलमान थे। रामपुर वालों, झगड़ा ही खत्म हो गया। अब हम अली और बजरंग एक हैं। बजरंग अली तोड़ दो दुश्मन की नली, बजरंग अली बेरोजगारियों की बली, बेरो बली, बजरंग अली, बजरंग अली, बजरंग अली, इंकलाब, इंकलाब, निजाम बदलेगा। आज पहले चरण का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार निकल गया, गठबंधन जीत गया, सरकार बदल गई। सरकार तुम्हारी है, आज उनका है, कल तुम्हारा।